हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th बोर्ड आर गोइंग फैंटास्टिक। ओके बेटा, हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी कंप्लीट किया हुआ है। 9.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करना है। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो बेस्ड हैं ऑन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के लिए ये समझना जरूरी है क्या एक्चुअल में होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले डिस्कस करेंगे और देन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ्स आइडिया, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लास 12th बोर्ड। तो बेटा, बात करेंगे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसके लिए एग्जांपल सेट करें। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि हेयर f1 इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड या विच इज बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई, जस्ट लाइक वी राइट हेयर 2x² + 3x y। ठीक है, अगर इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको यहाँ पे रिप्लेस करना होता है बेटा, x टेंस टू लैम्डा x रिप्लेस कर दीजिए और y टेंस टू लैम्डा y रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी f1 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू क्या जाएगी बेटा, 2 times लैम्डा x स्क्वायर प्लस 3 times लैम्डा x इंटू लैम्डा y। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। देन वी गेट हेयर लैम्डा स्क्वायर को कॉमन दिया जा सकता है, तो लैम्डा इसको हमने कॉमन ले लिया है और बच क्या गया बेटा, 2x² + 3x y। मीन्स यहाँ पे जो पैटर्न आया है वो लैम्डा स्क्वायर और ये जो वैल्यू आ गई दैट इज f1xy। ठीक है, मीन्स जब भी आपने लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रिप्लेस किया तो पैटर्न के साथ लैम्डा की पावर में आ गया है। ठीक है, मीन्स आप के पास अगर कोई फंक्शन दिया गया है f1 लैम्डा एक्स एंड अ लैम्डा वाई एंड दिस वैल्यू कन्वर्टेड एज अ लैम्डा रेस्ट पावर n f1xy, देन दिस फॉर्मेट इज डिफाइंड बाय होमोजीनियस इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। ठीक है, ध्यान रखना है कि दोनों की पावर से, दोनों से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाना चाहिए, या सिंपली हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि एक्स की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल की जो पावर्स हैं 1 एंड 1, तो मल्टीप्लाई होता बेटा ये, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 2 है। तो मतलब इसकी जो पावर है वो एक्चुअल में, या डिग्री बोल सकते हैं आप इसे, डिग्री क्या बेटा 2 है। तो ये 2 डिग्री जो है वो होमोजीनियस डिफाइन करती है, मतलब दोनों की पावर सेम है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं ए एंड बी, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो सिमिलरली अगर हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमारे पास कंडीशन बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट हेयर f1 x एंड y इज गिवन एज 2x³ + 3x² ओके एंड y, हमने यहां एज्यूम कर लिया। नाउ पुट हियर, सो वी गेट हियर f1 लैम्डा x एंड लैम्डा y, सो व्हाट वी गेट हियर, 2 times x ये क्या होगा बेटा, लैम्डा क्यूब x³, 3x² जगह क्या होगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर x² एंड y की जगह लैम्डा y। अगेन वी टेक कॉमन एज अ लैम्डा क्यूब, सो 2x³ + 3x² y एंड दिस पैटर्न इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा क्यूब, और ये हो गया f1xy। ठीक है, तो ये भी पैटर्न कैसा हो गया बेटा, ये भी आ गया f1 लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू हो गया लैम्डा रेस्ट पावर n f1xy, इस पैटर्न में आ गया। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये भी होमोजीनियस हो गया। ठीक है, और फिर से हम इसे अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो देखेंगे यहां पे 3 पावर है और यहां x² है और यहां x² है, तो इसकी पावर भी क्या है बेटा, 3 है। तो इसकी डिग्री जो हो गई, ये डिग्री भी क्या हो गई, 3 हो गई। ओके, चलिए बेटा एक एग्जांपल और दे लिया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ f1xy इज डिफाइंड बाय x² + लैम्डा, सॉरी लॉग x
या लॉग वाई ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहां देखें तो एफ वन लैमडा एक्स एंड लैमडा वाई पुट किया मैंने यहां पर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा, लैमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल एन लैमडा वाई। अब अगर देखें आप यहां से तो लैमडा स्क्वायर और यहां से लैमडा, यहां से लैमडा कॉमन नहीं आ सकता है। सो दिस इज नॉट अ पैटर्न ऑफ लैमडा रेस्ट पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो देयरफॉर दिस इज नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, ठीक है। तो नॉट होमोजीनियस का भी एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एफ वन एक्स वाई ले लिया, इफ राइट हियर टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस थ्री टाइम्स साइन ऑफ वाई, अगेन अगेन इफ वी पुट हियर एफ वन लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, सो व्हाट वी गेट हियर, टू टाइम्स साइन लैम्डा एक्स प्लस थ्री टाइम्स साइन लैम्डा वाई। तो यहां से भी आप लैम्डा को कन्वर्ट नहीं कर सकते, लैम्डा बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट अ पैटर्न ऑफ लैम्डा रेस्ट पावर एन एफ वन ऑफ एक्स वाई, सो दिस वन ऑल्सो नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। तो ये जो पैटर्न हो गया बेटा, हम लोगों ने क्या चेक कर लिया कि एक्चुअल फंक्शन का होमोजीनियसिटी कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि आप किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस कैसे चेक कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बेस्ट एग्जांपल लेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ओके। हाँ तो बच्चों अब चेक करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि आपको पैटर्न जो दिया जाएगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास होगा एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। जब आपके पास इस टाइप का पैटर्न होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी होमोजीनियसिटी चेक करते हैं, ओके, कि होमोजीनियस है या नहीं है। जस्ट लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते, दिस फंक्शन इज अ एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हमने एज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स वाई। और फिर हम चेक करते हैं कि एक्स को चेंज करना होता है लैम्डा एक्स और वाई को चेंज करना होता है लैम्डा वाई, ठीक है। तो नाउ एफ ऑफ एक्स लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई कन्वर्टेड एज अ एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह आएगा लैम्डा एक्स डिवाइड बाई, यहां आएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर इफ वी टेक कॉमन एज अ लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मिनिमम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आएगा लैम्डा एक्स प्लस सॉरी ये वाई है, सो वाई डिवाइड बाई अगर देखें तो यहां क्या आएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या आएगा, यहां वैल्यू आएगी आपके पास लैम्डा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअल में यहां पे जो वैल्यू आ रही है ये एक्चुअल में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही है, दिस वैल्यू इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ लैम्डा रेस्ट पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, सो दिस वन नॉट होमोजीनियस, ठीक है ना, नॉट होमोजीनियस। तो पहला एग्जाम्पल हमने किसका ले लिया बेटा, नॉट होमोजीनियस का ले लिया, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको देखते हैं कि होमोजीनियस है नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, अगर हमने ये ले लिया एग्जाम्पल, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एज्यूम कर दिया हम लोगों ने बेटा इसे, लेट कर दिया। नाउ चेंज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या गया बेटा, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज लैम्डा एक्स वाई चेंज करना है, ठीक है, इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि इसे हम लोग लिख लेते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, ठीक है। और प्लस क्या होगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, कैलकुलेट कीजिए बेटा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई आ गया लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, सो हियर वी गेट लैम्डा रेस्ट पावर जीरो एंड जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा है बेटा, लैम्डा पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स एफ ऑफ लैम्डा एक्स वाई
एंड लैम्डा वाई इज द पैटर्न ऑफ लैम्डा पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई। सो इस टाइप का जो भी पैटर्न आपको मिलेगा इसे बोलेंगे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी होती है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना होता है। तो पहली चीज तो ये है इसको सॉल्व करने के लिए कि आपका जो भी पैटर्न दिया जाएगा उसमें y इक्वल टू क्या एज्यूम करना होता है, वी एक्स एज्यूम करना होता है। y इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया, वी एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी वी कॉन्स्टेंट हो गया बेटा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा और प्लस x कॉन्स्टेंट हो गया, v को डिफ्रेंशिएट डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो पैटर्न है वो डी वाई बाई डी एक्स के लिए है, ठीक है। सेकेंड पैटर्न ऐसा हो सकता है बेटा, आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन होगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। अगर ये होमोजीनियस है तो क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू वी वाई अब सब्सटीट्यूट करना होगा और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा वी प्लस वाई कॉन्स्टेंट का तो डी वी ओवर डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसका काम सॉल्व करना होगा।